नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले दिनों बाबर आजम ने एक बड़ा बयान दिया था। बाबर आजम ने रिपोर्टर्स से कहा था कि उसकी तुलना विराट कोहली से नहीं किया जाए। कोहली के बराबर वो फिलहाल हुए नहीं है और अगर उनकी तुलना करना ही है तो पाकिस्तान के महान बल्लेबाजों से बाबर आजम की तुलना की जाए। अब इस पर नया बखेरा हुआ है। यही बात पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी राशिद लतीफ को लग गई है और उन्होंने अपने YouTube चैनल पर बाबर आजम के इस बयान पर अपनी टिप्पणी दी है। पाकिस्तान के दिग्गजों का मानना है कि बाबर आजम अभी इस लायक नहीं हुए हैं कि उनकी तुलना पाकिस्तान के महान बल्लेबाजों से की जाए। राशिद लतीफ ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी की तुलना उसके मौजूदा समय के खिलाड़ियों से होती है। ऐसे में साफ है कि बाबर की तुलना विराट कोहली से ही होगी। लतीफ ने कहा कि बाबर ने पाकिस्तानी दिग्गजों से तुलना का बयान दबाव में दिया है। उन्होंने कहा कि बाबर को समझना होगा कि वो अभी उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं जहां से उनकी तुलना यूनिस खान या फिर जावेद मियादाद से की जाए। ये स्वाभाविक है कि उनकी तुलना उनके समय के खिलाड़ियों के साथ ही की जाएगी। ये सुनकर अच्छा लगा कि वो चाहते हैं कि उनकी तुलना पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हो, लेकिन ये भी साफ है कि ये उनका बयान नहीं है। बाबर आजम ने ऐसा बयान दबाव में दिया है, ऐसा कहना है राशिद लतीफ का। आपको बता दें, बाबर आजम इस समय दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो तीनों फॉर्मेट की रैंकिंग में टॉप 5 में आते हैं। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम 45 के एवरेज से तो वनडे और T20 क्रिकेट में 50 के ज़्यादा एवरेज से वो रन बना रहे हैं। इसी वजह से रिपोर्टर्स या फिर पत्रकार जितने भी लोग हैं उनकी तुलना विराट कोहली से करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।